अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है हाउ वी इफेक्ट इकोसिस्टम। लास्ट चैप्टर में हमने अपने एनवायरनमेंट के बारे में देखा है, इकोसिस्टम के बारे में देखा है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस की एक्टिविटी हमारे इकोसिस्टम को किस तरह ख़राब करती है, तबाह करती है। तो सबसे पहले ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो अफ्रीका के नज़दीक, ठीक है, अफ्रीका के इर्द गिर्द अबाउट 1 लाख ईयर्स पहले इवाल्व हुए, ठीक है। तो किसी दूसरे जानवर से जो है पहले इंसान जो है बने हैं, तो ये बने 1 लाख साल पहले। और कहाँ पर इनकी एवोल्यूशन हुई है? नियर अफ्रीका। और फिर वहाँ से इंसान पूरी दुनिया में स्प्रेड कर गए। अब शुरू वाले जो इंसान थे वो मोस्टली हंटर्स थे या गैदरर थे, ठीक है। हंटर्स जो शिकार करते थे खाने के लिए, या फिर ये फ्रूट्स वगैरह को गैदर करते थे, जिस तरह बेरीज, ठीक है, या कोई भी फ्रूट है उसको गैदर करते थे। तो शुरू वाले जो ह्यूमंस थे वो हंटर्स थे या फिर क्या थे, गैदरर थे। लेकिन लास्ट 200 ईयर्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया ह्यूमन की पॉपुलेशन के अंदर। तो लास्ट 200 ईयर्स में पॉपुलेशन एक एक्सप्लोजन हुआ है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट फॉर रिसोर्सेज है वो भी ज़्यादा होगी। रिसोर्सेज हमें खाना ज़्यादा चाहिए होगा, रहने के लिए घर ज़्यादा चाहिए होगा, पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा डेफिनेटली। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, और जब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो फिर एक ह्यूज इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल आगे देखेंगे कि किस तरह पॉपुलेशन जो ज़्यादा होगी तो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं कि उनका एनवायरनमेंट से हमें जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगी, तो एनवायरनमेंट के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पहले देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो नेचर हमें सप्लाई करती है, जिसके जिसमें एयर आता है, वाटर आता है, सॉयल आता है, वाइल्ड लाइफ एक्स्ट्रा। तो ये सारी जो रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करती है। दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, एक होती हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरी हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि इनको नेचुरल साइकिल के थ्रू बार बार रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पानी यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करने के बाद पानी गंदा हो जाता है तो उसको लगातार हम जो है वो दोबारा साफ़ करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो रिवर्स हैं, ठीक है, या सी हैं, वहाँ पर पानी जब जाता है तो वो पानी साफ़ हो जाता है, तो नेचुरल साइकिल है। इसी तरह हमने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा था कि कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट से प्लांट्स में जाती, प्लांट्स से एनिमल्स में जाती है, एनिमल्स की डेथ के बाद दोबारा एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो नेचुरल साइकिल्स हैं जो क्या करते हैं, इन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को दोबारा रिप्लेस करते रहते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड बाय इकोसिस्टम इन नेचुरल साइकिल्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें रीन्यूअल हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जो एक दफ़ा यूज़ हो जाएंगी तो उनको रीन्यू होने में इतना टाइम लग जाता है कि वो इम्पॉसिबल ही हम कह सकते हैं कि वो रीन्यूएबल नहीं हो सकती थी। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को बनते हुए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, और एक दफ़ा फॉसिल फ्यूल यूज़ हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल ऐसी रिसोर्सेज है जो कैसी हैं, नॉन रीन्यूएबल है। वंस दे आर यूज्ड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल साइकिल्स, तो इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हम फर्दर आगे देखते हैं ह्यूमंस के बारे में कि ह्यूमंस जो हैं वो लगातार इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और इन रिसोर्सेज में कमी काज कर रहे हैं। तो ह्यूमंस कंटिन्यूअली यूजिंग एंड रिड्यूसिंग दीज रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं, इनको कम कर रहे हैं, दस अपसेटिंग द नेचुरल बैलेंस, और नेचर का जो बैलेंस है उसको ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का, हम देखें हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट कम होंगे तो डेफिनेटली फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर, उनका जो घर है वो तबाह हो गया तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमंस की एक्टिविटी अगर देखें तो ह्यूमंस की एक्टिविटी में एग्रीकल्चर, ठीक है, या इंडस्ट्री, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो काज कर रही हैं डिफॉरेस्टेशन या फिर ओवर फिशिंग, या इसके अलावा पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये पोल्यूशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये ह्यूमन की एक्टिविटीज से आ रही हैं। एनवायरनमेंट में जब एक दफ़ा कोई डैमेज आ जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंटल में हम जो भी, अगर डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, हम दरख्तों को काट रहे हैं तो वो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है। अब दोबारा न्यू जंगल लगाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मस्ट बी केयरफुली मोनिटर्ड, ह्यूमन की एक्टिविटी को केयरफुली मोनिटर करना चाहिए ताकि उतनी ही जो है हम दरख्त काटें जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा दरख्तों को ना काटा जाए, या इसके अलावा जो है वो इंडस्ट्रीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना लगाई जाए, या फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल यहाँ पर है कि सिंगापुर 1819 से पहले सिंगापुर में जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 150 विलेजर्स थे, ठीक है, 150 विलेजर्स।
थोड़े से घर थे, फ्यू हाउसेस थे, एंड मोस्टली जो सिंगापुर का एरिया था वो स्वैम्पी जंगल्स थे, ठीक है, दलदली जंगल जले जो इलाके थे वो मोस्टली सिंगापुर में ये था। लेकिन 200 ईयर्स के बाद, ठीक है, आज अगर हम देखें तो अबाउट 4 मिलियन पीपल सिंगापुर में रहते हैं, और टॉल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, और रोड्स हैं, ठीक है, जो हर तरफ फैले हुए हैं, तो सिंगापुर को हम एक कंक्रीट जंगल का नाम भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम फॉरेस्ट को क्लियर क्यों करते हैं? डिफॉरेस्टेशन इज़ कॉल्ड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को हम क्लियर करते हैं ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड, वुड, ठीक है, और अदर थिंग्स, तो मेडिसिंस बनाने के लिए भी हम फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं। इट कॉज लॉस ऑफ हैबिटेट, तो इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है उसका गैर तबाह हो जाता है, उनकी डेथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह जो फॉरेस्ट हैं वो हमें फ़ायदा भी देते हैं, किस तरह नुकसान जो है पहुँचाते हैं उनको, डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए हम क्या नुकसान जो है वो हमें हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।